मैं हूं अर्पिता और आप सबको स्वागत है मेरी चैनल अर्पिताज किचन एंड क्रिएशंस में। आज हम इसी वीडियो में देखेंगे तीन टाइप के मोदक की रेसिपी जो कि है गणपति चतुर्थी के स्पेशल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे मोदक की रेसिपीज। तो हमारा फास्ट मोदक आज हम जो बनाएंगे वो है चावल के आटे से। तो चलिए देखते हैं पहले इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसके लिए चाहिए हमें चावल का आटा, कोकोनट पाउडर, गुड़, ड्राई फ्रूट्स, घी, मावा और इलायची का पाउडर। तो चलिए पहले स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। हाफ टेबल स्पून घी लेंगे एक पैन गरम करके और इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स को हमने छोटा छोटा करके काट लिया था। इसको एक मिनट भूनने के बाद इसमें हम कोकोनट का पाउडर डाल देंगे 4 टेबलस्पून। अब हम इसमें 3 टेबलस्पून गुड़ डाल देते हैं। इसको अच्छे से एक मिनट तक भून लेंगे। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून मावा ऐड कर देंगे। इसको भी अच्छे से 2 मिनट तक हम भून लेंगे जिससे इसके साथ ये मिक्स हो जाए। अभी मिक्स हो गया है, इसमें हम 2 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर और 1 टेबलस्पून इलायची का पाउडर डाल के मिक्स करके हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और गैस हम ऑफ कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ये हमारा स्टफिंग रेडी हो गया है। अब हम और एक पैन गरम करेंगे और इसमें 1 गिलास पानी डाल के 1/2 टेबल स्पून घी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा येलो कलर फूड कलर ऐड कर देते हैं। फूड कलर ऑप्शनल है, आप इसमें ऐड ना करेंगे भी तो चलेगा। अभी हम इसमें 1 कटोरी राइस फ्लोर ऐड कर देते हैं और इसको अच्छे से लो फ्लेम पर धीरे धीरे से मिक्स कर देते हैं। अब और थोड़ा सा राइस फ्लोर ऐड कर देंगे और धीरे धीरे करके ऐसे मिक्स करके इसको 2 मिनट तक ढक देंगे। दो मिनट हो गया है। अब हम इसको और एक बार अच्छे से मिला देंगे और इसको 10 मिनट तक फ्लेम बंद करके इसको ढक के रख देंगे ताकि ये गर्म में भी ये हो जाए। अब हम इसको निकाल लिए हैं। अब हम इसको थोड़ा सा घी डाल के इसको इसमें मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे घी को इसमें। ये मोदक मोल्ड मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की थी। अगर आप इसको खरीदना चाहेंगे तो मैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी। इसमें थोड़ा सा हम घी ग्रीस कर लेंगे। और ये थोड़ा थोड़ा इसमें ऐसे करके इसको भर देंगे। ये आपको ज़्यादा नहीं भरना है, नहीं तो मोदक अच्छा नहीं बनेगा। देखिए इस तरह से इसको धीरे धीरे करके बीच में इसका होल बनाना है। और इसमें ये स्टफिंग दे देंगे। और थोड़ा सा लेके हम इसको इस तरह से इसको पैक कर लेंगे।
ताकि हमारा स्टफिंग बाहर ना निकले। इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करके हमें इसको निकाल लेना है। अब बहुत ही हल्के हाथों से हमें इसको ओपन करना है, धीरे धीरे करके। अब धीरे से इसको निकाल लेना है। देखिए कितना प्यारा बना है मोदक। चलिए अब हम दूसरे तरीके देखते हैं, मोदक हम मोल्ड में कैसे बना सकते हैं। इस तरह से हम दे देंगे थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ। हम चावल के आटे दे देंगे थोड़ा थोड़ा हम, और इसमें बीच में थोड़ा सा स्टफिंग दे देंगे एक में। देखिए इस तरह से एक में ही स्टफिंग दे देना है, और इसको इस तरह से प्रेस कर लेना है बंद करके, तो ये एक्स्ट्रा जो आटे हैं वो निकल जाएंगे। और इसको हम इस तरह से इसे प्रेस करके दबा देना है। अब इसको भी धीरे धीरे हम निकाल देते हैं। देखिए कितना अच्छा बना है। अब हम थर्ड तरीका हम हाथों से बना के देखेंगे। ऐसे एक बॉल्स लेना है और इसको इस तरह से प्रेस कर लेना है, और इस तरह से ऐसे किनारे बना देना है। थोड़ा सा पतला करना है इसको। अब हम बीच में स्टफिंग दे देंगे और इस तरह से एक किनारे बना देंगे, 6-7 किनारे बना देंगे ऐसे। और इसको एक साथ ऐसे प्रेस करके ऊपर की ओर ले जाना है। देखिए इस तरह से। ये मोदक भी हमारा रेडी हो गया है। आप मोल्ड ना हो तो हाथों से ऐसे बना सकते हैं। तो हमने सारे मोदक हमने बना लिया है। अब हम इसको स्टीम कर लेंगे। अब चलिए स्टीम कर लेते हैं इसको। एक कढ़ाई में पानी दे देंगे और इसमें एक स्टैंड डाल देंगे इस तरह से, और इसको हम 10 मिनट तक हमें स्टीम करना है। आप स्टीमर में भी इसको कर सकते हैं। इसको ढक देते हैं और 10 मिनट तक ऐसे छोड़ देते हैं। 10 मिनट हो गया है, चलिए देखते हैं। देखिए मोदक हमारा हो गया है। आप गणेश चतुर्थी में मोदक जरूर घर पे ट्राई कीजिए, और कैसे बना आपका मोदक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड पास में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू। अब हम बनाएंगे हमारा सेकेंड मोदक, जो कि है रवा मोदक। चलिए ये भी स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए चाहिए हमें सूजी, गुड़, मिल्क, घी, डेट्स और रोस्टेड पीनट्स। हम पहले क्या करेंगे, ग्राइंडिंग जार ले लेंगे और उसमें हम रोस्टेड पीनट्स और डेट्स को डाल देंगे और इसको अच्छे से पीस लेंगे। इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम इसका छोटा छोटा बॉल्स बना देंगे, क्योंकि मोदक में हमने यहाँ पे इसको स्टफिंग देनी है। इसको हम सारे बॉल्स इस तरह से रेडी कर लेते हैं। हमने यहाँ पे सारे बॉल्स रेडी कर लिए हैं। अब हम एक पैन गरम कर लेंगे और उसमें हम 2 टेबलस्पून घी डाल देंगे। इसमें अब हमें सूजी डालनी है और इसको अच्छे से घी के साथ मिक्स कर देनी है, और इसको हमें अच्छे से भून लेना है। इसको हमें लो फ्लेम पे करने है। धीरे धीरे इसका कलर चेंज होने लगेगा। इसका कलर देखिए धीरे धीरे चेंज हो गया है, थोड़ा सा ब्राउन कलर हो गया है। अब इस टाइम पे डाल देंगे हम गुड़ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गुड़ हमारा धीरे धीरे फ्रेंड्स पिघल जाएगा। ये प्रोसेस भी आपको लो फ्लेम पर ही करनी है, नहीं तो गुड़ जल्दी जल जाती है।
देखिए ये पूरी तरह सूजी के साथ मिक्स हो गया है। अब हम इसी स्टेज पे डाल देंगे मिल्क। जब आप मिल्क डालें थोड़ा धीरे धीरे डालिए, क्योंकि सूजी और गुड़ बहुत गर्म रहते हैं। और इसको ऐसे प्रेस कर करके हमें इसका अच्छे से इसको मिक्स कर लेनी है। ये प्रोसेस भी हमें लो फ्लेम पर ही करनी है। अब हम इसमें थोड़ा सा मिल्क और ऐड कर देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब ये पूरा आपस में चिपक जाएगा और पैन पूरा छोड़ देगा, तब आप जानेंगे ये हो गया है। देखिए ये अब हो गया है। अब हम इसको ढक के 10 मिनट रख देते हैं ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। हमने वो डो को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर ली है। अब हम इसका एक बॉल्स बनाएंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा करके लेके और बीच में हम जो बॉल्स बना के रखे थे पीनट्स और डेट्स का, उसको दे देंगे और इसको इस तरह से मोदक का शेप दे देंगे। अगर आपके पास मोल्ड है तो आप मोल्ड भी बना सकते हैं। अब हम एक स्पून लेंगे और उसके पीछे के हिस्से में इस तरह से इसे प्रेस करके बना लेंगे हम मोदक। मोदक बनाना फ्रेंड्स बहुत ईजी है। इस तरह से हम सारे मोदक बना लेंगे। पहले आप बॉल्स बना लीजिए स्टोव का और बीच में रख दीजिए बॉल्स को और मोदक का सेप दे दीजिए। ये बहुत ईजी है। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट में जो वीडियो अपलोड करूँगी वो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये है हमारा लास्ट रेसिपी मोदक का, जो कि है कोकोनट और मखाने का। तो चलिए इसको भी स्टार्ट कर लेते हैं। ये मोदक हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी तरीके से, तो आप मेरे वीडियो पे बने रहिए तो आप ये मोदक हम कैसे बनाएंगे देख पाएंगे। मैंने यहाँ पे एक पैन गरम कर लिया है और उसमें 1/2 टेबल स्पून घी डाल दिया है। अब हम लेंगे मखाने। मखाने को हम थोड़ा सा इस तरह से भून लेंगे। ये भूनने में थोड़ा 5 से 7 मिनट लग जाती है। अगर आप हाथ से इसे क्रश करेंगे तो ये टूट जाना चाहिए, तब आप जान जाएंगे कि मखाना हमारा पूरी तरह से पक गया है। देखिए तरह से रोस्ट हो गया है, अच्छे से भुन गया है। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे थोड़ा सा ठंडा होने के बाद। और हम इसी कढ़ाई में ही फिर से हम 1/2 टेबल स्पून हम घी डाल दिए हैं। अब हम डाल देंगे इसमें हमारा ड्राई कोकोनट का पाउडर। आप इसमें फ्रेश कोकोनट को भी ग्रेट करके या ग्राइंडिंग करके आप इसमें डाल सकते हो। इसको हम अच्छे से भून लेंगे। ये थोड़ा सा जब भून जाए अच्छे से, तब हम डाल देंगे इसमें जो हमारा मखाने का हम पाउडर बना के रखे थे उसको डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स करके फिर से 30 सेकेंड्स के लिए भून लेंगे। देखिए अगर कुछ ऐसे बड़ा रह गया हो तो आप इसको निकाल देना। ये अच्छे से भून गया है। फिर हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा जगरी। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जगरी दिया है बस थोड़ा सा मीठा होने के लिए, और मैंने थोड़ा सा मिल्क डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको 3 से 4 मिनट इस तरह से भून लेंगे। तीन से चार मिनट भूनने के बाद हम इसमें थोड़ा सा घी डाल देंगे और इसमें हम थोड़ा सा इलायची का पाउडर भी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट तक भून लेंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडा हो जाए तो हम एक मोदक का मोल्ड लेंगे। मोदक का मोल्ड आपको आराम से मिल जाएगी, नहीं तो कैसे बनाते हैं बिना मोल्ड के मोदक, मैंने और भी वीडियो दिया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। इस तरह से हम मोदक के मोल्ड में ये जो हमें बना के रखे थे कोकोनट और मखाने का जो मिक्स, उसको हम भर देंगे और अच्छे से प्रेस कर देंगे। अब हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए कितना सुंदर बना है। अब हम इसको थोड़ा सा नारियल के बुरादे और पिस्ता मैंने थोड़ा सा इस तरह से कूट लिया है, इसको मिक्स करके इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे और हम रख लेंगे। इस तरह से हम सारे मोदक बना लेंगे। अगर ये मोदक की रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट में जो वीडियो डालूंगी वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और मुझे आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको इन्हीं तीन मोदक से कौन सा अच्छा लगा आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर रिप्लाई कीजिए। थैंक यू।